नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बगुली शहजादी पार्ट टू। कुछ दूरी पर उन्हें झाड़ियों के पास एक बगुली रोती हुई दिखाई दी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? मैं हिंदुस्तान की शहजादी हूँ, एक जादूगर मुझे बगुली बनाकर चला गया। रो मत शहजादी, हमें पूरी कहानी सुनाओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। मेरे अब्बा दिल्ली के बादशाह हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी फिरदौस हूँ। कई महीने पहले ईरान से एक जादूगर सौदागर के रूप में दरबार में आया था। उसका नाम मलिक काफूर था। उसने मेरे अब्बा से अपने साथ मेरा निकाह कर देने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उस दिन तो मलिक काफूर चुपचाप चला गया, लेकिन एक दिन वह बुढ़िया बनकर फिर आया। कोई भी उसे नहीं पहचान सका। उस दिन मैं बाग में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वह अपने साथ आमों का एक टोकरा लाया था। बेटी, मैं तुम्हारे लिए बड़ी दूर से आम लाई हूँ, तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे आम बहुत पसंद है, लाओ सारे आम जल्दी से मुझे दे दो। उस बुढ़िया ने टोकरी में से निकालकर एक आम दिया। मैं आम खाने लगी। आहा, कितना मज़ेदार आम है। लेकिन जैसे ही मैंने वह आम खाया, ओह मेरा सिर क्यों चकरा रहा है, आह मैं गिरी। चक्कर खाकर गिरते ही मैं बगुली बन गई। तभी वह बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई। हा हा हा, ओह मलिक काफूर, दुष्ट, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मलिक काफूर को देखकर सब लड़कियां भाग गई। भागो, बुढ़िया कोई जादूगरनी है, भागो भागो, नहीं तो हम सबको बगुली बना देगा। कुछ देर बाद, शहजादी फिरदौस, अब मैं जा रहा हूँ, तुम सारी जिंदगी बगुली बनी रहोगी। और तब से मैं बगुली बनी इधर उधर भटक रही हूँ। सचमुच तुम्हारी बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन तुम चिंता ना करो, हमें भी उस मलिक काफूर ने बगुला बनाया है। क्या सच? आपको भी उस जादूगर मलिक काफूर ने आदमी से बगुला बनाया है? हाँ सच, और बिल्कुल सच। मैं ईरान का बादशाह आलम शाह हूँ, और यह मेरा वजीर फिरोज खान है। लेकिन मैं आप पर कैसे यकीन करूँ? क्या पता आप मलिक काफूर ही हो? तुम ठीक कह रही हो शहजादी, हम तुम्हें कैसे यकीन दिला सकते हैं। सुनो सुनो, मुझे याद आया, दिल्ली में मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि जब कोई मलिक काफूर के जादू से बना बगुला मुझसे निकाह करेगा तो हम दोनों अपने असली रूप में आ जाएंगे। ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोनों ने कसम खाई। मैं खुदा की कसम खाकर तुम्हें अपनी बीवी कबूल करता हूँ, मैं भी खुदा की कसम खाकर तुम्हें अपना शौहर मंजूर करती हूँ। तभी बगुली का सिर चकराया और वह गिर पड़ी। अरे यह क्या, यह बगुली क्यों गिर पड़ी? और अगले ही पल बगुली शहजादी में परिवर्तित हो गई, लेकिन बादशाह ज्यों का त्यों बगुला बना रहा। ओह तुम बगुली से शहजादी बन गई, लेकिन मैं बादशाह क्यों नहीं बना? ही, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। ज्योतिषी ने यह भी कहा था, अगर कोई बगुला लालच करके मुझसे निकाह करेगा तो वह असली रूप में नहीं लौटेगा। तुमने लालच किया, इसलिए अब सारी जिंदगी बगुले बने रहो, मैं तो अपने अब्बा के पास जा रही हूँ। शहजादी दोनों को छोड़कर चलने लगी तो दोनों पीछे पीछे उड़ने लगे। ओहो, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जाओ किसी नदी पर जाकर मछलियाँ पकड़ो, भागो यहाँ से। नहीं नहीं, हम तुम्हारे शौहर हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम महल में रहोगी तो हम भी महल में रहेंगे। क्या कहा, महल में रहोगे? तुम बगुले होकर मेरे साथ कैसे रह सकते हो? कहाँ मैं शहजादी और कहाँ तुम बगुला भगत? यह मत भूलो शहजादी, कुछ देर पहले तुम भी हमारी तरह बगुली थी, और फिर मेरा तुम्हारा निकाह हुआ था। निकाह? और तुमसे? भला एक बगुले से किसी शहजादी का निकाह कैसे हो सकता है? ही, पागल हो गए हो? लेकिन फिर भी उन्होंने शहजादी का पीछा नहीं छोड़ा। तो समझ गई, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, शायद तुम मरकर ही मेरा पीछा छोड़ोगे, अभी बताती हूँ। और शहजादी ने जमीन से पत्थर उठाकर बगुलों को मारना शुरू कर दिया। बगुलों के बहुत दूर चले जाने पर शहजादी तेजी से दौड़ती हुई दिल्ली की ओर चल दी। काफ़ी देर चलने के बाद उसे एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने गाड़ी के पास पहुँच कर कहा, भैया बहुत थक गई हूँ, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो, मुझे दिल्ली जाना है। हाँ हाँ, गाड़ी में बैठ जाओ, हम उधर ही जा रहे हैं। शाम होने तक बैलगाड़ी यमुना नदी के पास पहुँची। शहजादी ने नदी में एक नाव देखी
और गाड़ी से उतरकर नदी किनारे पहुंची। जब वह नाव मेरे पास आ जाएगी तो आवाज़ देकर उसे बुलाऊंगी, फिर उसमें बैठकर दिल्ली पहुंच जाऊंगी। लेकिन जब नाव उसके पास आई तो वह चौंक पड़ी। उस नाव में उसके अब्बा बादशाह मोहम्मद शाह बैठे हुए थे। अब्बा अब्बा, मैं आ गई अब्बा, मैं आ गई। अरे, किनारे पर हमारी बेटी फिरदौस हमें पुकारती जान पड़ रही है। जल्दी नाव को किनारे लगाओ, जल्दी करो, जल्दी। और जब नाव किनारे पर लगी तो बादशाह ने कूद कर शहजादी को गले लगा लिया। फिरदौस, मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। अब्बा, खुदा की मेहरबानी से मुझे ऐसा बगुला मिल गया जिसे मलिक काफूर ने आदमी से बगुला बना रखा था। उस बगुले से निकाह करते ही मैं फिर शहजादी बन गई। लेकिन वह बगुला आदमी नहीं बन सका। अब्बा, उस बगुले ने लालच किया था। आओ बेटी, अब घर चलें। तुम्हारी अम्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। और फिर सब नाव में बैठकर महल की ओर चल पड़े। अभी नाव नदी में कुछ दूर ही गई थी कि ओह, वे दोनों बगुले इधर ही आ रहे हैं। अब इस मुसीबत को कैसे दूर करूं? यहाँ तो पत्थर भी नहीं है। कुछ ही देर में दोनों बगुले उस नाव पर आकर बैठ गए। आहा बेटी, देखो कितने सुंदर बगुले हैं, देखो कैसे शांत बैठे हैं। अब्बा, यह भोले भाले सुंदर बगुले नहीं, बहुत धूर्त और बदसूरत बगुले हैं, बिना मार खाए यहाँ से भागने वाले नहीं। तभी एक तेज लहर ने नाव को पूरी तरह डगमगा दिया। अब्बा आह, और शहजादी नदी में गिर पड़ी। बचाओ बचाओ, अरे जल्दी से कूदो, फिरदौस को बचाओ, अब्बा बचाओ। और जल्दी ही नाविक शहजादी को पानी से निकाल लाया। उन दोनों को हंसते देख शहजादी को गुस्सा आ गया। मैं नदी में गिर गई और ये दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। मैंने भी इनकी टांगे न तोड़ी तो मेरा भी नाम फिरदौस नहीं। शहजादी उनके पास जाकर बड़े प्यार से बोली, बादशाह, तुम्हारा मुझसे निकाह हुआ था ना, तुम मेरे साथ महल में रहोगे ना, तुम मेरे साथ चलोगे ना? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मेरी प्यारी बेगम। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दोनों को बातों में लगाकर शहजादी ने एक नाविक से पतवार लेकर जोर से घुमाकर मारी। बादशाह बगुला तो उड़ गया, लेकिन बगुले बने वजीर की एक टांग पर पतवार लगी। मार दिया मार दिया, हाय जालिम शहजादी ने मार दिया, हाय मेरी टांग तोड़ दी, हाय अब मैं कैसे चलूँगा। अरे बेटी, तुमने यह क्या किया, इस सुंदर बगुले की टांग तोड़ दी। आओ प्यारे बगुले, हमारी गोद में आ जाओ, हम तुम्हें महल में ले जाएंगे। अब्बा हुजूर, ये ऐसे वैसे बगुले नहीं, जादूगर के बनाए बगुले हैं, इनसे दूर ही रहना अच्छा है। ओह, तो क्या यही ईरान के बादशाह आलम शाह और उनके वजीर हैं? हुजूर, मैं तो वजीर हूँ, बादशाह तो वह आकाश में उड़ रहे हैं। मोहम्मद शाह के कहने पर बादशाह बगुला भी उनके पास आ गया। ओह, पता नहीं तुम्हें कब तक इसी तरह बगुला बनकर रहना पड़ेगा। अगर हमें वह पंडित मिल जाए जिसने संस्कृत में लिखा हुआ पढ़ा था तो हम फिर अपने असली रूप में आ सकते हैं। हमारे देश में तो हजारों लाखों लोग संस्कृत जानते हैं, कोई भी उस शीशी पर लिखा हुआ पढ़ सकता है। तुम वह शीशी मुझे दिखाओ। अरे शीशी, शीशी तो हम ईरान से लाना ही भूल गए। अब तो लोगों ने उस शीशी को तोड़ फोड़ कर भी कूड़े में फेंक दिया होगा। तुम चिंता ना करो, मैं पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा कर उस पंडित को बुलवा लूँगा। कुछ देर बाद, हुजूर आपकी यह नाव बड़ी सुंदर है। यह नाव नहीं बेवकूफ़, बजरा है बजरा। और बजरा शब्द सुनते ही दोनों उछल पड़े। क्या कहा, बजरा बजरा बजरा? अरे ऐसा ही कुछ था, बजरा बजरा बजरा, बाजार, बजरू बजरू बजरू। और बजरू शब्द बोलते ही दोनों उसी पल अपने असली रूप में आ गए। अरे यह तो सचमुच बादशाह ही है। ओह, यह मैंने क्या किया, मैं तो इन्हें ऐरा गैरा समझकर पूरा व्यवहार करती रही। मोहम्मद शाह उन दोनों को भी अपने महल में ले गया और उनका खूब सम्मान किया। एक दिन, आलम शाह, कई दिनों से हम तुमसे एक बात कहना चाह रहे थे। कहिए बादशाह, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। फिरदौस ने बताया है कि तुमसे एक बार उसका निकाह हो चुका है, लेकिन हम अब पूरी शानो शौकत से तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? नहीं हुजूर,
मुझे भला क्यों ऐतराज होने लगा। लेकिन एक बात है, अब हम बादशाह नहीं हैं, फक्त एक मामूली आदमी हैं। ओह, मैं समझ गया, ईरान में मलिक काफूर गद्दी पर बैठा है, लेकिन अब वह अधिक दिन गद्दी पर बैठा नहीं रह सकेगा। निकाह के बाद हम आपके साथ अपनी पूरी फौज भेज देंगे। और फिर एक दिन शहजादी फिरदौस का निकाह आलम शाह से हो गया। कुछ दिन आलम शाह और वजीर बादशाह मोहम्मद शाह के मेहमान रहे। और एक दिन बादशाह, बहुत दिन हो गए, अब हम अपने देश लौटना चाहते हैं। बहुत खूब, हम कल ही तुम्हारे लौटने का इंतज़ाम करा देते हैं। अभी सिपा सलार को बुलाकर फौजों को साथ चलने का हुक्म दे देते हैं। बादशाह मोहम्मद शाह ने सिपा सलार को बुलाकर फौजों को ईरान की ओर कूच करने का हुक्म दिया। मंसूर अली, कल सुबह तुम्हें अपनी फौजों के साथ ईरान की ओर रवाना होना है। आज रात में ही सारी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। हुजूर, सब तैयारियां रात को ही पूरी हो जाएंगी। अगले दिन सुबह आलम शाह फिरदौस वजीर और भारी फौजों के साथ अपने देश के लिए रवाना हुआ। लंबे सफर के बाद आलम शाह फौजों के साथ अपने शहर के बाहर पहुंचा। फिरोज खान, सिपा सलार से जाकर कहो कि सब लोग आराम करें, कल सुबह होते ही हम शहर पर हमला कर देंगे। हुजूर, मैं अभी सिपा सलार को खबर कर देता हूँ। अगले दिन आलम शाह ने शहर पर हमला कर दिया। शाबाश बहादुरो, मलिक काफूर एक धोखेबाज और जालिम शैतान है, ऐसे शैतान को मारने से खुदा भी खुश होता है। शाबाश, आगे बढ़ो। और किले का दरवाजा तोड़कर फौजी शहर में घुस गई। अरे देखो, अपना खोया हुआ बादशाह। अरे हाँ, यह तो सचमुच आलम शाह है। शहर में लोगों ने आलम शाह को देखा तो सभी उसके साथ हो गए। कुछ ही देर में आलम शाह महल के पास पहुंच गया। भाग जाओ आलम शाह, अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैं अपने जादू से तुम्हें मार दूंगा। मलिक काफूर, अब तुम कोई जादू नहीं चला सकते, सारा जादू उस आबे हयात में था जिसे पीकर तुम चिड़िया बनकर उड़ गए थे, लेकिन अब तुम्हारे पास वह आबे हयात नहीं है। ओह, यह तो सारी बात जानता है, अब तो इससे लड़कर ही जीतना होगा। मैं आ रहा हूँ आलम शाह, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और नीचे खड़े एक घोड़े पर सीधे कूद कर मलिक काफूर आलम शाह की तरफ लपका। तभी मलिक काफूर ने एक भरपूर वार किया। आलम शाह, मेरे वार से बचकर दिखाओ। आलम शाह ने उसकी तलवार का वार अपनी तलवार पर रोकने की कोशिश की, लेकिन ओह, मेरी तलवार टूट गई, अब इससे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी मलिक काफूर दूसरा वार करता कि तभी एक घुड़सवार सिपाही तेजी से आगे आया और मलिक काफूर के वार को अपनी तलवार पर ले लिया। देखते ही देखते उस घुड़सवार सिपाही ने मलिक काफूर को भागने पर मजबूर कर दिया। मलिक काफूर तेजी से पलटकर भागा तो खच्चा, हाय, तलवार लगते ही मलिक काफूर घोड़े से नीचे गिर गया। मलिक काफूर, हमें एक बात बताओ, सिपा सलार ने बादशाह बनाने के लिए तुम्हारा ही नाम क्यों लिया था? आह, वह तुम्हारा पुराना सिपा सलार नहीं था बादशाह, उसको तो मैंने पहले ही कत्ल कर दिया था, उसकी जगह मैं सिपा सलार बन गया था। आह, यह कहते ही मलिक काफूर मर गया। मलिक काफूर के मरते ही उसके सैनिकों ने हथियार डाल दिए। आलम शाह जिंदाबाद, हमारा बादशाह आलम शाह। बादशाह आलम शाह शानो शौकत के साथ गद्दी पर बैठा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बेगम फिरदौस भी बैठी थी। एक दिन बादशाह अपनी बेगम फिरदौस के साथ बाग में घूमने निकले। कुछ देर बाद उन्होंने वजीर को हांफते हुए भागकर आते देखा। फिरोज खान, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हुजूर, आबे हयात। आबे हयात, क्या हुआ आबे हयात को? हुजूर, मैं उधर शाही बाग में घूम रहा था कि मुझे आबे हयात की यह शीशी फिर मिल गई। अरे अरे, इस शीशी को मुझसे दूर ही रखो, इस आबे हयात के कारण ही तो हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, अब तो हम इस मनहूस को देखना भी नहीं चाहते। लेकिन हुजूर, इसे कहाँ फेंक कर आऊँ? जहन्नुम में, कहीं भी फेंक कर आओ, लेकिन इसे मेरे सामने से ले जाओ, चाहे तो खुद पी लो। लेकिन हुजूर, मैंने पी लिया तो मेरी होने वाली बीवी का क्या होगा? वह तो निकाह से पहले ही बेवा हो जाएगी। हो जाने दो, लेकिन तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वजीर उस शीशी को किसी गहरे कुएं में फेंकने चल दिया। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।